तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजबुल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है अपने मतलब आप जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस तरह का स्टेटस, तो इसको आप जो है अपने खुद अपने मोबाइल पर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और आप अपना भी यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं, यानी कि फोटो यहाँ पर अपना भी लगा सकते हैं, या फिर जिसका भी मन चाहे आप जो है अपने कोई भी सॉन्ग जो मनपसंद सॉन्ग है उस पर आप जो है इस तरह का मतलब अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोग तो बताते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और दोस्तों सब कुछ करके मैं आप लोगों को लाइव बताऊँगा। और जो भी यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ ये टेम्पलेट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कैसे आप बना सकते हैं इसके लिए आपको जो है एक एवी प्लेयर ऐप जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं इस तरह कैसे आप बना सकते हैं अपने मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट में ओनली, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एवी प्लेयर प्रो का, ठीक है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास ये पहले से नहीं है। जैसे ही एवी प्लेयर डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन यहाँ पर जो है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पर जाना है। आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है जिस गाने पर आपको जो है मतलब बनाना है, ठीक है। जिस गाने पे आपको बनाना है व्हाट्सएप स्टेटस उस गाने को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक गाना सेलेक्ट कर लिया, चलिए मैं यही गाना एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको जो है यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाना देखते हैं विजुलाइजर पर, इस पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से फर्स्ट में आपका जो है मतलब आएगा इंटरफेस। उसके बाद क्या सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले वीडियो में जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो टेम्पलेट आप लोगों को दिखाया वो टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर लोड फ्रॉम फाइल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसको यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने के लिए मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसी को बताऊंगा। तो उसको आपको क्या करना है दोस्तों, फाइल मैनेजर पर जाना है, जहाँ भी आप लोग डाउनलोड करके रखे होंगे तो वहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पर रखा हूँ, तो ये जो है टेम्पलेट इसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है हमारा टेम्पलेट लोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ओके करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सबसे लास्ट में जो यहाँ पर चार कोना दिख रहा है तो टेम्पलेट इसको सबसे लास्ट में क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट लोड हो चुका है। दोस्तों अब क्या करना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट लोड हो गया, अब क्या करना है यहाँ पर पेंसिल का आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों पेंसिल का आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे इमेज का लिंक आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इमेज लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या करना है उसके बाद यहाँ पर फिर से इमेज पर क्लिक करना है, ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टम इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना दोस्तों, यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब जो भी फोटो आप लोग देना चाहते हैं अपने खुद का भी फोटो दे सकते हैं, या फिर किसी का भी फोटो देना चाहते हैं तो उसके मतलब जो भी फोटो से आप बनाना चाहते हैं सॉन्ग को तो वो सेलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने इसको मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर से आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर इमेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना दोस्तों। और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर जनरल दिख रहा होगा तो इस पर मतलब विजिबल जो है यहाँ पर इनेबल रहना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर कस्टम इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से पिक इमेज पर क्लिक करना है और फिर से वही फोटो आपको फिर से एक बार ले लेना है और ओपन कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर मतलब तीसरा इमेज का यहाँ पर देखेगा आपको ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जनरल पर क्लिक करना है, यहाँ पर विजिबल इसको जो है यहाँ पर इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्लर इफेक्ट को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको 3 बर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बर्स पर आपको क्लिक करना, सब यहाँ पर फिर से विजिबल इनेबल करते जाना है, फिर दूसरा बर्स पर क्लिक करना है, फिर इसको जो है मतलब यहाँ से इनेबल करते जाना है। तो इस तरह 3 बर्स तो तीनों को इनेबल कर देना है आपको भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है बर्स के बाद, तो लव इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, इसको भी यहाँ पर इनेबल कर देना है विजिबल। उसके बाद दोस्तों अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, फिर से क्या करना है, उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकल्स है तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी जनरल पर क्लिक करना है और यहाँ पर विजिबल इनेबल कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद जो फिर से दूसरा है वो पार्टिकल है, इसको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा उसके बाद दूसरा छोड़ देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट पर ये जो है मतलब अपना चैनल या फिर खुद का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है दोस्तों, क्या करना है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है।
टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि मेरा चैनल का नाम है तो इस पर क्लिक करके आप अपने खुद का नाम या फिर खुद चैनल का नाम आप लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर से लास्ट जो हमारा स्टेप बचा हुआ है वो है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं इमेज बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर भी आपको क्या करना है, जनरल पर क्लिक करना है, विजिबल यहाँ पर एनेबल कर देना। अब जो है दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है टेम्पलेट पूरी तरह से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इसको सब कुछ यहाँ पर मैं करता हूँ क्लोज। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है पहले जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था उस तरह का जो है हमारा टेम्पलेट हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉपीराइट है सॉन्ग, तो इसको मैंने साउंड ऑफ कर दिया, उसके बाद प्ले करके देख रखा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टेम्पलेट आपको अच्छा ही लगा होगा। दोस्तों इससे भी ज़्यादा मतलब फाड़ूदार मैं आप लोगों को टेम्पलेट देने वाला हूँ आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा करना दोस्तों, और शेयर भी कर देना थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।